Hard to breathe, but that's alright. Hush. तो हेलो गाइस, सभी का वेलकम है एक न्यू वीडियो में क्लैपस्टार गेमिंग की। और आज मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे बंडल जो कि मेरी आईडी में बहुत ज़्यादा रेयर है और मतलब बहुत कम बंदों के पास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टॉप फाइव में आता है डेविल हंटर। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है और इसको मतलब बहुत कम बंदों ने निकाला था और इसका भी ब्लू वाला अभी अपने स्टोर में आया हुआ है। तो मतलब ये आता है अपने फिफ्थ पे और अभी चलते हैं अपन फोर्थ नंबर पे। तो गाइस, फोर्थ नंबर पे आता है अपना रूबी डिमन बंडल। ये लाइट पास का बंडल है जिसको कई लोग समुराई बंडल भी कहते हैं, जैसे ये दिखता है। और ये बहुत कम बंदों के पास है क्योंकि ये लाइट पास बहुत कम बंदों ने लिया था और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो अब बढ़ते अपने तीसरे नंबर बंडल पर। थर्ड नंबर पे आता है अपना ये वाला बंडल, हेयर ऑफ डिस्पेयर। इसको कई बंदे बनी वाला बंडल भी कहते हैं और ये इंक्यूबलेटर का लास्ट बंडल था जो कि मेरा बहुत ज़्यादा डायमंड्स में निकला था और ये मतलब बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत कम बंदों के पास है। तो अब बढ़ते अपने सेकंड नंबर बंडल पर। गाइस, सेकंड नंबर पे आता है अपना ये वाला बंडल, फैंटम समुराई। इसको कई बंदे बोलते हैं, मतलब जिसकी छाती पे डिज़ाइन होता है ये वाला बंडल। तो ये भी इनक्यूबलेटर का बंडल है जिसका भी सुन रहे थे कि वापस आएगा, तो ये वही बंडल है। और ये भी बहुत कम बंदों के पास है क्योंकि इसको निकालने में बहुत ज़्यादा डायमंड्स लग रहे थे, तो मैंने इसलिए सबसे लास्ट वाला निकाला। तो अब बढ़ते अपने फर्स्ट नंबर बंडल पे। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पे आता है अपना डार्क रूबी बंडल। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये भी इनक्यूबलेटर का ही है और बहुत ही कम बंदों के पास है। तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है बाकी मेरी कलेक्शन में। तो अभी थोड़े टाइम बाद कलेक्शन वीडियो आ रही है, वो भी ज़रूर देखना। और ये बहुत ही रेयर बंडल है। और टेक केयर, बाय बाय।